माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज इस वीडियो में लेसन नंबर फर्स्ट के सेवंथ श्लोक के का भावार्थ प्रिपेयर करते हैं, किस प्रकार से भावार्थ लिखा जाए ताकि हमको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। श्लोक नंबर सेवंथ। श्लोक सेवंथ देखिए, अब इसमें मैं संदर्भ और प्रसंग, संदर्भ फिर से नहीं लिखूंगी, प्रसंग जो है वो वापस से रिपीट करेंगे, क्योंकि प्रसंग सभी श्लोक का अपना अपना अलग अलग होता है, ठीक है। इसलिए संदर्भ जो है वो सेम रहता है, प्रसंग हम जो है अलग लिखेंगे, क्योंकि श्लोक देखिए सेवंथ श्लोक क्या है हमारा, ध्यान से देखिए। चिंतनिया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्हिना गृहे। चिंतनिया मीन सोचना चाहिए, ही निश्चित रूप से, विपदाम मिस मुसीबत का, प्रतिक्रिया मिस इलाज या समाधान या तरीका। आदावेव इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, आदव प्लस एव मिस पहले ही, यानी मुसीबत के आने से पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए, उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। जब कोई मुसीबत आने वाली हो तो उसके आने से पहले ही उसका समाधान हमें खोज लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कवि कहते हैं कि न मिस नहीं, कूप खननम मिस कुआ खोदना युक्तम मिस उचित है। कब? प्रदीप्ते मिस लग जाने के बाद, प्रज्वलित हो जाने के बाद। वन्निना मिस आग के, गृह मिस घर में, कि घर में आग लग जाने के बाद कुआ खोदना उचित नहीं है। अर्थात मुसीबत के आने के बाद अगर हम उसका हल ढूंढने चलते हैं तो मुसीबत जो है वो हमें अत्यधिक पीड़ित कर देगी, अर्थात बहुत अधिक परेशान कर देगी, और उसके बाद अगर इलाज ढूंढेंगे तो पता नहीं कितना समय और लग जाएगा, और कब तक हम उस समस्या से, उस मुसीबत से परेशान रहेंगे। इसलिए मुसीबत के आने से पहले ही हमें उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। चले अब इसका भावार्थ करते हैं। तो भावार्थ में मैंने आपको जैसे बताया प्रसंग यानी संदर्भ बहुत बार बताया है, अब हम प्रसंग से स्टार्ट करेंगे। यहां पर संदर्भ में क्या लिखना है, वही लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की रुचिरा नामक पाठ्य पुस्तक में संकलित सुभाषितानी नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग क्योंकि श्लोक के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए यहां पर भी इस श्लोक के अनुसार अलग अलग होगा, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में कवि, प्रस्तुत श्लोक में कवि सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान पहले ही खोजने की सलाह देते हुए कहते हैं कि देखिए अब इसका अर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे। अर्थ किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए क्या कहेंगे। विपत्ति के आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि घर में आग लगने के बाद कुआ खोदना
घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है। उचित नहीं है। देखिए, विपत्ति के आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है। अब देखिए, अब भावार्थ लिखेंगे इसका। प्रस्तुत श्लोक में कवि मनुष्यों से अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों से सचेत करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, हमें किसी भी समस्या के आने से पहले ही समाधान तैयार रखना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में अचानक कभी भी कोई भी समस्या आ सकती है। कवि इस बात को उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि जिस प्रकार घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है, अर्थात यदि घर में आग लगने के बाद हम कुआं खोदेंगे तो तब तक अत्यधिक देरी हो जाएगी
और हमारा अत्यधिक नुकसान हो जाएगा, हमारी अत्यधिक हानि हो जाएगी। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, लेकिन हानि में चोटी की मात्रा लगाना, अत्यधिक हानि हो जाएगी। अतः समस्या के आने से पहले ही आने से पहले ही उसका समाधान खोजना उचित है। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम आने से पहले ही उसकी प्रिपरेशन करना हमारे लिए उचित रहेगी। अदरवाइज एग्जाम वाले दिन एक दिन में हम 8 लेसन 10 लेसन या ग्रामर पोर्शन है वो सारा एक साथ किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे। यानी समस्या के आने से पहले ही हमें उसका समाधान धीरे धीरे करके ढूंढ लेना चाहिए, ताकि अगर कभी भी हमारे जीवन में समस्या आती है तो तुरंत उसका समाधान हमारे सामने रहेगा और हमें अत्यधिक हानि नहीं होगी। क्लियर। अब देखिए हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी में मिनिमम अपने को 4 पॉइंट लिखने हैं, मैक्सिमम आप जितना लिख सकते हो उतना लिख सकते हो। क्लियर। यस, देखिए यहाँ पर फर्स्ट है चिंतनिया। क्या है फर्स्ट? चिंतनिया। चिंतनिया यहाँ पर चिंत धातु है, चिंत धातु प्लस अन्यर प्रत्यय, चिंत धातु प्लस अन्यर प्रत्यय। नेक्स्ट है आदावेव। आदावेव इसका संधि विच्छेद होगा तो किस प्रकार से होगा? आदव प्लस एव, आदव प्लस एव, और यहां संधि होगी अयादि। कौन सी संधि होगी यहां पर? अयादि संधि, आदव प्लस एव। प्रतिक्रिया, देखिए प्रतिक्रिया यहां पर प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है यहां पर? प्रति उपसर्ग। नेक्स्ट देखिए कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वन्हिना गृहे, गृहे यहां पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, गृहे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सप्तमी व्यक्ति एक वचन, इस प्रकार से 4 व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ हम ये भावार्थ कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा संदर्भ का, फिर भावार्थ, संदर्भ पहले, उसके बाद प्रसंग, फिर अर्थ, फिर भावार्थ, और फिर उसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी। इस प्रकार से 5 पॉइंट के साथ हम अपना भावार्थ कंप्लीट करेंगे। देखिए इस वीडियो के साथ मैंने फर्स्ट लेसन के 7 श्लोक जो है उनका भावार्थ डाल दिया है। आप एक एक करके सभी श्लोकों का भावार्थ अच्छी प्रकार से देख ले, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले, ताकि एग्जाम में आप आसानी से लिख सको और अच्छे अंक प्राप्त कर सको। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।